देखिए स्टूडेंट, हम विज्ञान कक्षा 10 की बात कर रहे हैं और हमने प्रथम क्लास में ये बताया था कि जो इकाई फर्स्ट है जिसमें 4 अध्याय हैं और 17 नंबर जिसका अंक भाग है, उसका प्रथम जो सेक्टर था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ वो कंप्लीट हो गया। 4 नंबर का वो था। आज 4 नंबर का अगला इकाई जो है जेनेटिक्स अनुवांशिकता, जो कि आपका लेसन नंबर 3 के नाम से है, उसको अपन करने जा रहे हैं। तो लेसन का जो नाम है वह है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता इकाई जो है वह 3 पे है, यानी अध्याय जो आपका है वह 3रा है। इसका अंक भाग जो है वह भी 4 नंबर का है। आनुवंशिकता को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि आनुवंशिकता क्या होती है। स्टूडेंट, सिंपल सी चीज है कि एक पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं वह दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता का अध्ययन जो है वो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो सेक्टर का नाम हो जाएगा आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी जो है वो पार्ट 3 के नाम से आपके सिलेबस में है। आज हम इसकी बात करेंगे कि आनुवंशिकी क्या है, इसको किसने डेवलप किया, आगे बढ़ाया, इसका श्रेय किसे जाता है। छोटी क्लासों में भी आपने इसको लेकर के काफी कुछ अध्ययन किया होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि आनुवंशिकी है क्या, या आनुवंशिकी किसे कहते हैं। स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्नताओं और सजीवों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों व विभिन्नताओं, डिफरेंसेस, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। अब आनुवंशिकी की परिभाषा आपको मिल गई। परीक्षा में कभी कभार जेनेटिक्स लिखा हुआ आता है कि जेनेटिक्स क्या है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि आनुवंशिकी का पर्याय जो है हिंदी से अंग्रेजी शब्द जो है वह जेनेटिक्स है। तो हमें इसको लेकर के कतई ये नहीं मानना कि ये कोई नई परिभाषा आ गई। अब बात ये आती है, बोर्ड में भी पूछते हैं कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था। कई बार बोर्ड ने ये सब पूछा है, तो आपको कहना है जेनेटिक्स शब्द जो है वह सर्वप्रथम 1905 में बैटसन ने किया था, बैटसन 1905, 1905
पांच में आनुवांशिकी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कई बार ये भी पूछते हैं कि जैविक शब्द जो है ये आया कहां से, उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति। एक एक चीज को क्लियर करते हुए आगे चले। आनुवांशिकी विज्ञान की शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। यह अंग्रेजी के जेनेटिक शब्द का पर्याय है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वह 1905 में बैटसन ने किया था। अब बात आती है इसकी उत्पत्ति को लेकर। तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीन। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीन, उससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब जीन किसे कहते हैं, जीन की खोज किसे की थी, ये सारी बातें इस चैप्टर में आएगी। लेकिन अभी तो आपको ये ध्यान देना है कि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ग्रीक भाषा से हुई। इस शब्द का निर्माण जो है किस शब्द से हुआ, तो जीन शब्द से हुआ। अब जो लक्षण है सजीवों के और जिनका हम अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी में, उन्हें हम आनुवांशिकता के लिहाज से देखें तो उन्हें कहेंगे आनुवांशिक लक्षण। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण जो है वह किसे कहते हैं, कई बार पूछते हैं। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि एक दंपति जो है, एक जोड़ा जो है, वह जिन लक्षणों को लेकर के है, उनकी जो संतान होगी उनमें जो प्रभावी लक्षण है वे आगे वाली पीढ़ी में संचरित हो जाएंगे और उन लक्षणों को ही हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो सदियों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से एक पीढ़ी, यानी आप जिसको जनक कह सकते हैं, जिसको पी से रख करते हैं पेरेंट्स, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जिसे संतति कहते हैं, जिसको अपन एफ से रख करते हैं, में संचरित होते हैं, यानी ट्रांसफर होते हैं, संचरित होते हैं। वापिस ध्यान दें, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब स्टूडेंट लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, उसे कहते हैं वंशागति। बहुत ही अच्छा टॉपिक, वंशागति, जिसको अंग्रेजी में हेरिटेज कहते हैं। स्टूडेंट एक एक चीज को क्लियर करते हुए चले, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है। 4 नंबर आपको बिल्कुल पूरे के पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं, या एक एक चीज को गहनता से समझते जाएंगे। विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी, लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं आनुवांशिक लक्षण, और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि आनुवांशिकी की शाखा जो है विज्ञान की, उसमें अनुवांशिक लक्षण होते हैं, उनकी वंशागति होती है।
तो इसको परिभाषित करेंगे तो कहेंगे आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति या हेरिडिटी कहलाती है। एक घुंघराले बालों वाली दंपत्ति है, उसके जो संतति होती है, संतान होती है, वो घुंघरे बालों वाली होती है। एक बुरी आंखों वाली दंपत्ति है, उसकी संतान बुरी आंखों वाली पैदा होती है। तो ये लक्षण जो है, घुंघराले बाल, बुरी आंखें, ये तो आनुवंशिक लक्षण है। लेकिन इनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने का जो भाव है, गुण है, विशेषता है, इसे हम वंशागति कहते हैं। अब वंशागति शब्द जो है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये भी पूछा जाता है कई बार कि वंशागति शब्द जो है वह किसने दिया था। तो इसका प्रतिपादन जो है वह कौन है, ये भी पूछते हैं कई बार। प्रतिपादन यानी वंशागति शब्द देने वाले कौन थे, तो वैज्ञानिक थे स्पेंसर। स्पेंसर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वंशागति शब्द दिया था, और ये शब्द दिया था इन्होंने 1863 में, और जेनेटिक शब्द जो है वह बैसल ने दिया था। यह आपको ध्यान में रखना है कि ये शब्द देने वाले कौन थे। अब बात यह आती है कि सभी जीव जो इस प्रकृति में पर्यावरण में पाए जाते हैं वे अलग अलग प्रकार के, यानी उनमें भिन्नताएं पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, विविधताएं पाई जाती है, ये क्यों पाई जाती है। तो अगला मानते हैं जीवों में विभिन्नता या विविधता, जीवों में विविधता का कारण क्या। ऐसा प्रश्न भी बोल्ड में किया जा सकता है इस पाठ में कि जीवों में विविधता क्यों होती है। इसमें सर्वाधिक विविधता जो होती है वह जनन के लैंगिक जो प्रकार है उसके कारण होती है, यानी लैंगिक जनन के कारण होती है विविधताएं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई अलैंगिक जनन में या कायिक जनन में विविधता नहीं होती और लैंगिक जनन में ही विविधताएं क्यों होती है। इसका भी कारण है कि इसमें जीन विनिमय होता है। लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो जीवों के जो जीन होते हैं, युग्मक होते हैं, वे आकर के मिलते हैं, तो दो जीवों के लक्षण जो है वो समेकित हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं जीन विनिमय। जीन विनिमय तो है, उसके कारण विभिन्नताएं आती है जीन विनिमय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ये भी पूछते हैं कई बार कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, जीन विनिमय क्या है। तो जीनों की अदला बदली जो है, जीनों का आदान प्रदान जो है, इसे हम जीन विनिमय कहते हैं। अब आनुवंशिकी को मैंने शुरू में भी बताया था कि कौन आगे आया, इसके फादर कौन है, ठीक है ना। तो एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, मेंडल। मेंडल एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले जीवों में पाई जाने वाली विविधताओं को लेकर के मंथन किया, रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किए और निष्कर्ष निकाला। तो इसलिए इसे आनुवंशिकी का फादर कहते हैं, मेंडल आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कई बार ये भी पूछते हैं कि
हनुमान जी का पिता किसे कहते हैं? देन योर आंसर मेंडल। अब मेंडल से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। कई बार एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका फुल नेम क्या है, ये कहां से बिलोंग करते थे, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, इन्होंने किस पौधे को लेकर के अध्ययन किया था, ऐसे छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम इनका पूरा नाम, मेंडल का पूरा नाम क्या था ये भी पूछते हैं। तो इसका पूरा नाम था ग्लोबर जॉन मेंडल, ग्लोबर जॉन मेंडल आसानी से याद कर सकते हैं, इसका पूरा नाम था ग्लोबर जॉन मेंडल। अब ग्लोबर जॉन मेंडल थे जिन्होंने अनुवांशिकी की शुरुआत की थी। तो यह किस देश के रहने वाले थे? तो यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। मेंडल का जो जन्म है वो तो कहेंगे इनका पूरा नाम के बाद में, जन्म मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को मेंडल का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रन शहर में। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उस ऑस्ट्रिया कंट्री का जो प्रांत है वह है सिलिसिया, हैंजनगार्ड के सिलिसिया गांव में हुआ था, ब्रन में उपाधि थे सिलिसिया, सिलिसिया गांव में या प्रांत में तो है इनका जन्म हुआ था। अब मेंडल जो हैं, इन्होंने वहां ऑस्ट्रिया का एक शहर था ब्रन शहर, वह पादरी की पोस्ट पे काम किया था, ब्रन शहर जो कि ऑस्ट्रिया का शहर था मैं ये पादरी थे, यानी चर्च में जो पुजारी होता है उसे हम पादरी कहते हैं, जो चर्च में पूजा पाठ करता है। अब बात आती है मेंडल से जुड़ी हुई कि इन्होंने किस पे अध्ययन किया था, तो आपको याद रखना है मटर पे अध्ययन किया था। मटर की जगह उद्यान मटर भी कहीं ऑप्शन आता है। अब इसको लेकर के एक और प्रश्न पूछते हैं कि इसका बोटनिकल नेम क्या है, कई बार उन्होंने पूछा है, तो आपको कहना है पाइसम, पाइसम सैटाइमम इसका बोटनिकल नेम। अब इतनी बातों को मैं एक बार पुनः क्लियर कर देता हूं। आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक शब्द का पर्याय है, जेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा से निकला है, जीन सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इस शब्द को सबसे पहले बैटसन ने दिया था। आनुवंशिक लक्षण वे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना हेरिडिटी या वंशगति कहलाता है। इस शब्द की उत्पत्ति स्पेंसर ने की थी 1863 में। जीवों में विविधता का जो कारण है वो लैंगिक जनन है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जीनों की अदला बदली होती है। मैं इसके फादर जो है वो मेंडल है, जिनका पूरा नाम ग्लोबर जॉन मेंडल है, ग्लोबर जॉन मेंडल है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के सिलिसिया प्रांत में हुआ था। ये ब्रन शहर में पादरी थे। इन्होंने मटर या उद्यान मटर वास्तविक मटर जो मटर होता है उस पर अध्ययन किया था, और इसका जो नाम पूछते हैं मटर का वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम वो है पाइसम सैटाइवम। अब इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियां आपको देते हैं। ये बहुत अच्छा लेसन स्टूडेंट, यदि आप एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे तो कम समय में इसकी आराम से तैयारी की जा सकती है और पूरे के पूरे जो मार्क्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इन्होंने मटर पर 7 वर्ष तक अध्ययन किया। कई बार ये भी पूछते हैं
कि इन्होंने कितने साल तक यज्ञ किया, तो 7 वर्ष तक इन्होंने यज्ञ किया था। अब मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को कहते हैं संकरण प्रयोग। एक चीज को अच्छी तरह से देख लें कि मेंडल ने कौन से प्रयोग किए थे, संकरण प्रयोग। अब संकरण क्या है, संकर किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, अब संकरण के प्रकार क्या, ये सारी चीजें हम इस लेसन में आगे देखेंगे। अब मेंडल ने 7 वर्ष तक मटर के ऊपर प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद में इनका जो निष्कर्ष था वो इन्होंने एक ब्रुनसेर की सोसाइटी थी उसको सौंपा। तो आप कहेंगे कि इन्होंने अपना जो शोध था वो किसके सामने प्रेजेंट किया था, शोध प्रस्तुत ब्रुनसेर की, ब्रुन शहर की एक सोसाइटी थी, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रुन सोसाइटी, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। बहुत अच्छे तरह से इस नाम को देख लेना, इन्होंने अपना शोध जो है वो कहां प्रस्तुत किया, तो ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष इन्होंने अपना शोध वो प्रेजेंट किया। अब इसने इसका जो वार्षिक अंक निकलता है उसमें इसका प्रकाशन किया और प्रकाशन करते समय इसकी जो हेडिंग थी वह क्या थी, प्रकाशन जो था वो किस नाम से हुआ था, तो आपको कहना है पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण के ऊपर जो है वह प्रयोग किस नाम से मेंडल के जो शोध पत्र था उसका प्रकाशन हुआ था। अब मेंडल से जुड़ी हुई अंतिम जो जीवनी से संबंधित डाटा है वो पूछा जा सकता है कि मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, तो 6 जनवरी 1886 को हुई थी। 6 जनवरी जन्म आपको पहले बता दिया था, 6 जनवरी 1886 को 1822 में जन्म हुआ था और 1886 में जो है वह इनकी मृत्यु हुई थी। अब मेंडल की सफलता के कारण भी कई बार बोर्ड पूछता है, तो अभी हेडिंग रहेगी हमारी मेंडल, क्योंकि बहुत से लोगों ने आनुवंशिकता के प्रयोग की और सफल नहीं हुए, मेंडल ही सफल क्यों हुए। हर व्यक्ति की सफलता का कोई ना कोई स्टूडेंट राज होता है, हर व्यक्ति सफल होता है जिसके पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, उसी तरह से मेंडल की सफलता का भी कोई रहस्य था। तो मेंडल की सफलता के कारण बोर्ड ने यह पसंद किया है एक बार कि मेडल की सफलता के कारण थे स्टूडेंट। मेडल की सफलता का सबसे पहला कारण था कि इसने जो मटर का पौधा ले लिया था वो 1 वर्षीय पौधा था, यानी उसका जीवन काल जो है वो 1 वर्ष में पूर्ण हो जाता था और छोटी जीवन अवधि का पादप लेने के पीछे जो उनको फायदा मिला कि उन्होंने शॉर्ट पीरियड में कम समय में बहुत सी पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया। यदि वो लॉन्ग आयु वाला दीर्घायु वाला पौधा लेते तो हो सकता है कि वो जीवित रहने तक इतनी पीढ़ियों का अध्ययन नहीं कर पाते, उनमें पाए जाने वाले चेंजेस का अध्ययन नहीं कर पाते और वे अपने निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। तो इन्होंने सफलता का जो पहला उन्हें फायदा मिला वो था कि उनके द्वारा सेलेक्ट किया गया जो पादप था वो 1 वर्षीय था। तो पहला लेंगे 1 वर्षीय पादप मटर का चयन, 1 वर्षीय जो पादप है उसका चयन करना। दूसरा जो पौधा लिया था यानी
प्रश्न ये भी पूछते हैं कि मटर का ही सिलेक्शन क्यों किया था, उसमें भी आंसर आपका यही बन सकता है, ठीक है ना। तो मटर का जो पाठ था उसकी दूसरी जो खासियत या अच्छाई जो थी वो क्या थी कि ये द्विलिंगी था, द्विलिंगी पादप था। अब द्विलिंगी पादप होने से दो फायदे होते हैं कि इसका आप स्वपरागण का भी फायदा ले सकते हैं और इसमें परपरागण भी करवाया जा सकता है, और मेंडल ने कृत्रिम परागण भी करवाया था, ठीक है ना। तो यह इसका एक फायदा इसको मिल गया कि मटर जो था वो द्विलिंगी पादप था, तो उसमें स्वपरागण और परपरागण जो है वो भी करवा दिया। अब कृत्रिम परागण जो उसने करवाया उसके लिए जो विधि काम मिली थी वो विभूषण विधि होती है। स्टूडेंट, विभूषण का मतलब होता है कि आप परागण करते ढंग से करवा देते हैं, फिर उसके ऊपर उसको कवर कर देते हैं कि अन्य कोई पोलन जो है परागण जो है वो उसके ऊपर ना पड़े, तो उसको विभूषण मेथड कहते हैं। जैसे पैकिंग मेथड जो है वह भी विभूषण मेथड में आएगा। और इस मटर की एक खासियत है कि इसमें जो लक्षण जो है विप्यासी लक्षण जो है या विभिन्नताएं जो है मटर के पौधे में जो पाई जाती है उनके जोड़े पाए जाते हैं, युग्म पाए जाते हैं, विप्यासी लक्षणों का युग्मों में पाया जाना, जैसे लंबा बोना, इस तरह से युग्मों में पाया जाना। इसके अलावा सत्यता का राज है कि इन्होंने जो आंकड़े थे उनका सही संधारण किया था, जिसको कहते हैं रिकॉर्ड करना, सही संधारण किया था। तो ये तो थे मेंडल की सफलता के कारण कि इन्होंने ये एक वर्षीय पौधा लिया, पौधा देखी क्या विद्यार्थी लक्षण युग्म में पाए जाते थे और आंकड़ों का उन्होंने सही अध्ययन किया, कंटिन्यूटी रखी और सही एनालिसिस करने के कारण जो है इन्हें सफलता मिली। अब बात आती है कि मटर का जो पौधा था इसमें मेंडल ने कितने लक्षणों को लेकर के, ये भी बोर्ड का प्रश्न पूछा है कि कितने लक्षणों को लेकर के मेंडल ने प्रयोग किए थे, तो 7 लक्षणों को लेकर के, 130 लक्षण कुल उसमें पाए गए, लेकिन 7 लक्षणों को लेकर के मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो आपको कहना है कि मटर के लक्षण जिन पर प्रयोग किए तो वे 7 लक्षण थे, क्रम संख्या लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। हमने कहा था लक्षण के दोनों रूपों को उन्होंने दिया था कि प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा। सबसे पहला लक्षण उन्होंने लिया था पादप की लंबाई। अपन सारे स्टूडेंट जानते हैं कि पौधा या तो लंबा होगा या बोना होगा, तो इसमें भी 2 लक्षण थे कि प्रभावी जो है वो लंबा होगा और अप्रभावी जो है वह बोना होगा। ये मेंडल ने मटर का पहला लक्षण लिया था। दूसरा लिया था पुष्प की स्थिति, दूसरा लक्षण पुष्प की स्थिति। स्टूडेंट, पुष्प जो होता है वो या तो तटस्थ लगा हुआ होगा या जो है कक्षीय लगा हुआ होगा, तो कक्षीय होगा तो वो प्रभावी होगा और अग्रस्त जो होगा तो वह होगा अप्रभावी, अग्रस्त। ये इनका दूसरा लक्षण था। तीसरा लक्षण यह था फली की आकृति, कच्ची जो फली होती है उसमें और परिपक्व फली में क्या होता है, तो तीसरा लक्षण था फली की आकृति। स्टूडेंट,
फली जो होती है वो भी दो तरह की है, या तो फूली हुई होगी या पिचकी हुई होगी, जिससे हम संकेत कहते हैं। तो प्रभावी जो प्रॉपर्टी होगी वो तो होगी फूली हुई, और जो नॉन इफेक्टिव होगी वो होगी संकेत, जिसे हम पिचकी हुई भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, स्व की जो विशेषता थी वह था फली का रंग, स्व की विशेषता होगी वह होगी फली का रंग। अब फली जो है वह या तो हरी होगी या पीली होगी, प्रभावी होगी, प्रभावी लक्षण होगा हरा, और अप्रभावी जो लक्षण है वह होगा पीला। ये थी स्व की विशेषता। पांचवी विशेषता जो उन्होंने लिखी वह लिखी पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। स्टूडेंट, मटर के पौधे में पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, प्रभावी होगा तो वो होगा बैंगनी, प्रभावी जो होगा वो होगा बैंगनी, और अप्रभावी जो होगा वह होगा सफेद। अब बीज की आकृति सरखा नाम लिया था, बीज की आकृति। स्टूडेंट, मटर का जो बीज होता है वो प्रभावी ढंग से गोल होता है, और यदि प्रभावी ढंग से नहीं है तो वो झुर्रीदार होता है। तो इसमें प्रभावी रंग जो है, प्रभावी जो प्रकार है आकृति का सेफ का, वो गोल होगा, और अप्रभावी जो है वह झुर्रीदार होगा। ये थी छठी विशेषता। सातवीं और अंतिम विशेषता जो मेंडल ने मटर में लिखी वह थी बीज का रंग। जो मटर का पौधा है वह पीला होता है बीज उसका, और यदि वो प्रभावी ढंग से नहीं है तो वो हरा होगा। तो प्रभावी बीज जो है वो पीले, मटर के बीज आप भी जानते हैं पीले होते हैं, और यदि वो पीला नहीं है तो उसमें अप्रभावी गुण है वो है हरा। तो ये मेंडल ने सात लक्ष्य लेकर के प्रयोग किए। अब मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को संकरण प्रयोग कहते हैं, और ये प्रयोग करके मेंडल ने जो है वो नियम दिए थे। एक प्रश्न बोर्ड में पूछते हैं मेंडलवाद क्या है, मेंडलवाद इसको मेंडलिज्म भी कहते हैं, मेंडलिज्म। ये बहुत छोटा सवाल और पढ़ते ही याद हो जाता है, ऐसा सवाल है कि स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं रखते, गलत करके रहते हैं। स्टूडेंट, लिज्मवाद होता है और मेंडल वैज्ञानिक का नाम था, तो मेंडलिज्म का मतलब हो गया मेंडल ने वंशागति के जो प्रयोग किए और प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले, जो नियम प्रतिपादित किए, उन्हें मेंडलवाद कहते हैं। वेरी सिंपल, मेंडलवाद क्या है? तो बहुत सिंपल सा हो गया कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। कितना सिंपल है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। अब एक प्रश्न यह भी बनता है कि मेंडल ने तो अपना नियम दे दिया था, मेंडलवाद जिसे कह दिया था, इसको कुछ लोगों ने रिवाइज किया, पुनः खोजा, तो उसको कहते हैं मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता। ये भी बोर्ड ने प्रश्न पूछा है कि कौन कौन से वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों को रिवाइज किया था, उसमें करेक्शन किया था, चेंजेस किया था। तो वे तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। सबसे पहले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डीप्रीज। मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कौन थे? ह्यूगो डीप्रीज। ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की खोज की थी, और ये हॉलैंड के रहने वाले थे। स्टूडेंट, कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे जिन्होंने मेंडलवाद को खोजा। दूसरे जो मेंडलवाद की खोज करने वाले
खोज की थी वे थे एरिक वॉन शेरपाव। एरिक वॉन शेरपाव, एरिक वॉन शेरपाव, और ये वृद्ध के ही रहने वाले थे। इन तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के मेंडल जो नियम दिया था, मेंडलवा जो था, इसकी खोज की थी। अब मेंडल ने अपना सिद्धांत दिया, प्रयोग किए, और मेंडल के जो प्रयोग थे संकरण प्रयोग थे। इस प्रयोगों को समझने से पहले हमें उस वोकैबुलरी है, शब्दावली है मेंडल के इस आनुवांशिकी, उन्हें समझना होगा। और शब्दावली में से बोर्ड हर बार एक दो प्रश्न करता है, तो आपको कहना है आनुवांशिकता या आनुवांशिकता की शब्दावली वोकैबुलरी, आनुवांशिकता की शब्दावली, जिसमें सबसे पहला जीन। कई बार पूछते हैं, आज भी जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब ये कहा था कि ये ग्रीक भाषा के जीन सबसे निकला है, ठीक है। और मैंने उसमें ये कहा था कि जीन जो है उसकी परिभाषा क्या है, ये हम आगे बताएंगे। तो स्टूडेंट, जनक जो होता है, पेरेंट्स जो होता है, उससे जो संतति बनती है, संतति जो बनती है, इस संतति में लक्षणों का जो आना है वह तो आनुवंशिकता कहलाता है। जो लक्षण यहां से यहां तक आएंगे जनक से संतति तक, वे आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे। लेकिन इन लक्षणों को यहां से यहां तक लाने में जो कारक काम करेगा वह जीन कहलाएगा। तो आपको इसकी परिभाषा में यूं कहना है कि आनुवंशिक लक्षणों को जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में ट्रांसफर करने का, संचित करने का, स्थानांतरित करने का जो काम करते हैं उन्हें हम जीन कहते हैं, जिसको मेंडल ने कारक नाम दिया था। याद रखना, मेंडल ने जीन नाम नहीं दिया था, जीन नाम जॉनसन ने दिया था। जीन की खोज जो है वह जॉनसन ने की थी, लेकिन मेंडल ने इसका नाम कारक दिया था, फैक्टर दिया था, क्योंकि उस समय तक विज्ञान जो है वो इतनी अपनी विकसित स्टेज में नहीं थी, जिस कारण वो केवल कारक नाम तक ही सीमित रहे, और बाद में उसको जॉनसन ने ये नाम दिया था। सारे लक्षणों को नेक्स्ट पीढ़ी तक शेयर करने का जो काम है वो जीनों के द्वारा किया जाता। बहुत सी शब्दावली आनुवंशिकता की इंटरेस्टिंग है, जिसको हम अगले लेसन में